जब अयुब के साथ अमीन हम लोग आते थे तब भी यही रुकते थे। ब्लॉग पहली बार बनाया वो भी मेरे सत्तानी, ये सारा सत्तानी के हस्बैंड ने चैनल खोल दिया और कामयाबी ना मिले तो ये तो पक्का होने लगे। नानी से नहीं मिली तो मैंने फयाज को बोली चलो थोड़ी दिन बैड कमेंट्स मत करना, उठा के कचरे के डब्बे में डाल दूं। उनकी वीडियो के थ्रू हमने वहाँ का नजारा देखा है, चलती हूँ तो यहाँ पे मैं अंदर पहुँच गई थी और रुपीज के 3 मिले तो बस हम लोग ने चेक किया। नवासी का सबसे बड़े बेटे का सहरा आप ही मानोगे तो नानी बोलती है उम्र कितनी है तुम्हारी सच्ची बताओ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आए हो सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो फिर चले आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज का ब्लॉग हम शुरू करेंगे बाहर, मतलब हमारी ऑटो रिक्शा में। भाई बैठी है, भाई वो बोलती वेलकम टू माय मम्मी चैनल। तो बस हम लोग कहीं निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, सर्दी हो गई एक्चुअली मेरे को, बस सर्दी हो गई है। दो दिन से हमारे बॉम्बे में भी, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है तो मुझे हो गई सर्दी। तो बस हम लोग कहीं जा रहे हैं, बट कहीं जाने वाले थे और हम लोग कहीं जा रहे हैं और, बट पता नहीं आप लोग साथ में रहे, आपकी मदीना पर कहाँ भी जाएगी। यार पंजू कितनी ऊँच चल रही गाड़ी, तो आपकी मदीना पर जा जाएगी, आप लोग को लेके जाएगी साथ में। हाँ तो चले जब तक के लिए Bye. तो बस घर से निकले और बस आप लोग सोच रहे होंगे घर से तो मदीना पर निकल गए बट नुमेर किधर है। नुमेर नहीं है साथ में, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो सोच रहे होंगे नुमेर कौन, तो नुमेर है मेरा बड़ा बेटा जो अपनी मम्मी को बहुत सताता है, और जो लोग नहीं जानते वो लोग पुराने व्लॉग्स पे जाएं और नुमेर को ज़रूर देखें। तो बस नुमेर को नहीं ली हूँ साथ में, एक्चुअली हम लोग ना कहीं और का प्लानिंग था और कहीं और का प्लानिंग हो गया। रात में हम लोग ने डिसाइड किए थे कि ना हम लोग कल दोपहर तक के ना दरगाह पे जाएंगे, बट ऐसा हो गया ना कि जब हम लोग तैयार होने लगे ना तो बस नुमेर के सर का फ़ोन आया और सर ने बोला कि ना कल एक हम लोग मतलब टेस्ट लेने वाले, पेपर का टेस्ट लेने वाले बस। तो फिर उन्होंने मैंने ऑन द स्पॉट अपना प्लानिंग चेंज मार दिया और बोला कि मम्मा अगर आपको जाना है तो आप जाओ, बट मैं बच्चे के बगैर दरगाह पे कैसे जा सकती हूँ। मैं दरगाह पे तो हम हमारी फैमिली के साथ ही जाते हैं ना, तो बस इसलिए प्लानिंग हो गया चेंज और हम लोग कहाँ पे आके खड़े हैं। देखिए आप ये देखो खिचड़ा, माई अभी नाटक कर रही, मेरे को माई नहीं लेने लगाई खिचड़ा, माई नाटक कर रही है। मेरे को बोली मम्मा खिचड़ा खाएंगे, देखेंगे टेस्ट अच्छा, वैसे फ्लेवर अच्छा है लेकिन तेज है, माई को लग रहा है तेज, नाटक कर रही खाने के लिए। शाम हो रही है तो मेरी चलो कुछ खाते खाते जाएंगे सोच रही थी, तो बस खिचड़ा वाला दिखा तो फिर रुक गए, चले फिर अच्छा टेस्ट है, फ्लेवर भी अच्छा है। तो देखा हमने कहाँ से कहाँ निकले और कहाँ पे पहुँचे। एक्चुअली दरगाह का प्लानिंग हो गया कैंसिल और फिर नुमेर बोला कि मम्मा एक काम करो ना, आप तैयार हो ही गए तो कहीं ना कहीं जाके ही आ जाओ, मैं भी अकेला रहूँगा तो पढ़ भी लूँगा, स्टडीज़ हो जाएगी मेरी, वैसे भी आप लोग को पता है ना कि माँ ही रहती है संडे का, और ये जो ब्लॉग है ना संडे का ब्लॉग है और माँ अब घर में रहेगी संडे के दिन तो माँ बहुत सताएगी तो पढ़ने भी नहीं देगी, अंदर बाहर करती रहेगी। तो मैंने बोला चलो तैयारी हो गई तो कहीं जाके आती हूँ, तो बस मैं निकली और मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए नानी से नहीं मिली, तो मैंने फयाज को बोली चलो थोड़ा टाइम के लिए नानी के पास मिलके हम लोग आ जाते हैं, जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, कम से कम 3 घंटे में रिटर्न हो जाएंगे और जब तक नुमेर अपनी स्टडीज़ भी कर लेगा, और साथ ही में घर में खाने के लिए भी है और दोपहर का खाना तो साथ ही में खा लिए थे हम लोग ने, फिर हम लोग निकले थे। और इंशाल्लाह रात का खाना तो मैं साथ ही में कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगी, क्योंकि अब जब जा रही हूँ तो नुमेर का ऐसा ना कि मैं कभी भी कहीं निकलूँगी ना तो पहले मेरे को बोलेगा कि मम्मा आने के टाइम कुछ लेकर आना, भले कुछ भी, और स्पेशली तो वो उसको शोरमा बहुत पसंद है, शोरमा नहीं शुअरमा। यहाँ मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ, यहाँ मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ, शोरमा शुअरमा में मैं बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ, तो बस वो मुझे बोलता है हमेशा, स्पेशली वो चीज़ ज़्यादा मंगाता है मेरे से कि शुअरमा लेकर आना करके मम्मा अगर आएंगे तो देखूँगी आज शुअरमा लेके जाती हूँ या फिर और कुछ लेके जाती हूँ या फिर उसको कॉल करके बस घर पर पहुँचती रहूँगी तो पूछ लूँगी कि क्या चाहिए। तो बस देखिए बात करते करते मैं कहाँ पे पहुँची आप देख रहे हैं, मैं बात करते 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 पहुँच गई नानी के घर पे। तो ये मेरे नानी का घर है और ये घर देखिए आप लोग देख रहे हैं ना कि ये बहुत पुराना घर है, मतलब बहुत ओल्ड, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत साल हो गया अभी, इसके एग्जैक्टली साल तो मैं बता नहीं सकती, नानी से पूछना पड़ेगा, बट लेकिन ये बहुत पुराना घर है। और बस माँ ही अंदर घुसी पहले देखने के लिए कि नानी है क्या कर रही है नानी, और आपके भाईजान पहले मेरे को अंदर पहुँचाएंगे उसके बाद मेरे रिक्शे को लगाएंगे कहीं पे अच्छी जगह, क्योंकि रोड है रिक्शा बीच में खड़ी नहीं कर सकते,
फिर उसके साथ में मैं अंदर चलती हूँ, तो यहाँ पे मैं अंदर पहुँच गई थी। और ये देखिए नानी का घर, मैंने बोला ना काफ़ी पुराना घर है नानी का। तो ये देखिए माही ने किया आपको स्माइल, आपके भाईजन ने किया आपको हाय। और यहाँ पे मैं प्रेजेंट करूँगी मेरी प्यारी प्यारी सी नानी को, आप लोगों से मिलाऊंगी। तो ये देखिए मेरी डैंडडैन प्यारी प्यारी सी नानी। तो सलाम मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब दोस्त लोग हैं, मेरे भी फ्रेंड लोग, सलाम करो। सलाम अलैकुम नानी, मेरी सलाम करी आप लोगों को जोर से। सलाम अलैकुम नानी, सलाम करी मेरी। मैं नानी से मिलने आई थी आज। नानी ये नानी, तुमको मालूम है कितने लोग मेरे को देखते हैं रोज? कम से कम 2-3 हज़ार लोग मुझे रोज देखते हैं। ये लोग दुआ देते मेरे को, और मेरी नानी को भी दुआ करना है आप लोगों को, है ना? अच्छा तो सुना आपने, मेरी नानी ने आप लोगों को सलाम किया और आप लोगों को बहुत सारी दुआएं करना। वंस अगेन मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, नानी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ये आईने में कैसा दिखता, मोबाइल में आया, मोबाइल में आईना है क्या, मिरर है क्या, मोबाइल में मेरे को पूछ रहे थे। तो मैं बोली हाँ नानी, आजकल न्यू जनरेशन मोबाइल में भी हम लोग की मिरर निकलता है। मैं बोली थोड़ी सी मस्ती मजाक, थोड़ी सी गप्पे शप्पे नानी के साथ में कर रही थी, मजाक कर रही थी कैमरा दिखा के उनके। तो वो हंस रहे थे, बोले मैं दिख रही इसके अंदर, मैं दिख रही। बोले हाँ नानी दिख रहे हो। और फिर थोड़ी सी नानी से मैंने एकदम अंदर की पर्सनल बात पूछ ली, तो आप जरूर सुने वो। अच्छा नानी उम्र कितनी है तुम्हारी, सच्ची बताओ? हाँ कितनी उम्र? अरे तो क्या उम्र पूछ रही, मेरे 100 साल हो गए अभी, क्या पूछ रही, बांडा फूट रहा है 100 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरी नानी की अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो और मेरी नानी को 100 साल जिएंगे। और अल्लाह से बस यही दुआ करूंगी कि बस ये एक हाथ हमारे सर पे है, अल्लाह बस ये एक हाथ को जल्दी ना उठाए हमारे सर पे से, क्योंकि मेरे नाना नहीं है ना, दादी भी नहीं है और दादा भी नहीं है, बस अभी मेरी नानी है हमारे सर पे। और मैंने नानी को बोलकर आई हूँ कि नानी नुमेर का सहारा तो तुमको ही बांधना है, नुमेर का सहारा बांधना ही है, क्योंकि वो तुम्हारा हक है मेरे नुमेर का सहारा, क्योंकि सबसे बड़ी नवासी हूँ उनके घर की मैं, मतलब उनकी सबसे बड़ी बेटी की सबसे बड़ी बेटी मैं हूँ, तो मतलब सबसे बड़ी नवासी भी मैं ही हो गई। तो मैंने उनको बोला कि सबसे बड़ी नवासी का सबसे बड़े बेटे का सहरा आप ही बानोगे। तो नानी बोलते कि जरूर बानूंगी ज़रूर बानूंगी। तो मैंने इंशाल्लाह आमीन सुमा मीन, अल्लाह मेरी नानी की उम्र दराज करे और मेरी नानी की हयाती बढ़ाए, और बस ये हाथ हमारे सर पर से कभी ना उठे। आप लोग बहुत सारी दुआएं देना मेरी नानी को, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जब भी आप लोग से दुआओं के लिए रिक्वेस्ट करी, आप लोग ने भर भर की दुआएं अपने मदीना आपा को भेजे। भले मैंने किसी के लिए भी दुआ मांगी, आपने ज़रूर वो दुआएं आपने मुझे भेजे। और बस मैं आपके दुआओं के लिए मरती हूँ, आपकी इज़्ज़त, आप लोग जो इज़्ज़त देते, आप लोग जो प्यार देते मुझे मैसेज के थ्रू, बस उसी के लिए बहुत मरती हूँ। और बस ऐसे ही अपने मदीना आपा के साथ में हमेशा मैसेज के थ्रू जुड़े रहना और बहुत सारा प्यार देते रहना मुझे। तो बस आपके भाईजन ने यहाँ पे गाड़ी रोक के, मतलब स्टेशन पे, ये है जोगेश्वरी स्टेशन जहाँ पे गाड़ी इन्होंने रोक दी। और यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हमारे स्टेशन पे जोगेश्वरी जहाँ पे मैं पहले रहती थी, वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती है हमारे वहाँ पे, लेकिन ये जो मलाड़ में ना यार बहुत महंगा मिलता है यहाँ पे। तो ये ड्रैगन इन्होंने पूछे तो ये इसने 100 रुपीज़ का 3 बोला, और यही हमारे मलाड़ में मैं लूँ ना तो ये मुझे कम से कम 60 या 70 रुपये का मुझे एक मिलेगा, 70-80 ऐसा मिलेगा मुझे, 60 तो नहीं मिलेगा, मुश्किल है 60 रुपये में तो मिलेगा तो भी बहुत छोटा मिलेगा, बट इतना जो साइज़ का मिलेगा ना मुझे 80 रुपये का एक मिलेगा। और यहाँ पे जो दिए इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ के 3 मिले। तो बस हम लोगों ने चेक किया कि नरम तो नहीं है थोड़ा से, तो थोड़े से नरम थे, तो आपके भाईजन ने बोला कि नहीं मीठा रहेगा और इतना भी नरम नहीं है। तो बस ये हम लोग ने लिए 100 रुपीज़ के 3, तो अच्छे मिले। तो मैंने बोली ले लो यार, क्योंकि ड्रैगन खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है ड्रैगन, तो बहुत अच्छा वाइट सेल्स के लिए, वाइट ब्लड के लिए, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होता है बच्चों के अंदर स्पेशली, हम लोग के लिए भी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं कि हमको नहीं खाना चाहिए, बट हम लोग तो हमारे लिए बाद में सोचते हैं, पहले बच्चों को, बच्चे के लिए सोचते। तो मैंने बोला कि नहीं बहुत टाइम हो गया बच्चों को ड्रैगन नहीं खिलाया, तो ये ड्रैगन मैंने बोली ले लो बाबा तुम पहले फुर्सत में ड्रैगन लो फैयाज, जैसा गाड़ी देखे ये खुद ही रुक गए कि रुको रुको कुछ है। तो बस ड्रैगन हम लोग ने यहाँ पे 100 रुपीज़ का 3 लिए, और साथ में मिल रही थी कीवी, तो कीवी तो बहुत महंगी बोला इन्होंने अभी फ़िलहाल, वरना कीवी इतनी महंगी नहीं मिलती यहाँ जोगेश्वरी स्टेशन पर भी, ये कीवी 20-20 रुपीज़ की मिलती, बट अभी इन्होंने बोला कितना मालूम 50 रुपीज़ का 1, मतलब ये जो बॉक्स में है ना
बॉक्स में शायद 3 या 4 कीवी है, बट वो एक कीवी जो है ना वो बोल रहे हैं कि 50 रुपये का एक। तो मैं भैया आपके भाईजन बोले कि रहने तो कीवी मैं बाद में ले लूँगा, अभी फिलहाल ड्रैगन लेके जा रहा हूँ, तो बस हो गया, तो कीवी नहीं ली हम लोग ने, तो ड्रैगन लिए। क्यों थोड़ा किधर है, पूरा बचा है अभी तो। मीठा है क्या? नहीं लो, माही टेस्ट करेगी। माही बता, मीठा है? मीठा है। हाँ? मीठा है। बस हम लोग ने यहाँ से अंगूर ले लिया, और अंगूर जो मिला ना हमको 60 रुपीज़ किलो मिला, और बहुत बहुत अच्छा मिला, क्योंकि हमारे मलाड़ में अंगूर जो है, हम लोग जब आगे थोड़ा से पहुँचे ना, तो आगे जाने के बाद में आपके भाजन ने बोले मलाड़ में अंगूर 90 रुपये किलो है मदीना, यहाँ पे अपने को 60 रुपीज़ में मिला, तो बहुत अच्छा मिला। तो बस 1 किलो अंगूर भी ले लिए, तो बस ऐसे ही होता है ना, जब ऑफिस में जाते ना तो कभी कुछ मिलता आपके भाजन दे लेते, क्योंकि सस्ता मिलता है, और हमारे मलाड़ में बहुत माही जो है वो पीछे बैठ के ऐसी बहुत अच्छा सीट पे ना पीछे बैठ जाती है, ऑलरेडी वहाँ पे चटनी पे वो बिछा ली थी, चटाई वगैरह ना वो बिछा के रखी थी, और उसी पे लेट के मस्त में मोबाइल देख रही थी, और मैं आगे बैठी थी। बस ऐसे ही हम लोग का रास्ता निकल जाता है। तो चले चलते चलते कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी ज़्यादा करके मेरे ब्लॉग में हमेशा सायरा मैम, स्पेशली सायरा मैम शामिल होती है, तो बस बात भी करूँगी आज कुछ थोड़ी सी बातें सायरा मैम के बारे में। जैसे कि उन्होंने ब्लॉग आज डाला कि वो अजमेर शरीफ का ब्लॉग उन्होंने डाला, वैसे तो कल वो अजमेर शरीफ पहुँच गए, और कल छट्टी शरीफ थी, तो आप लोगों को मेरे तरफ से छट्टी शरीफ मुबारक हो। और सायरा मैम भी वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने ज़्यारत भी कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिल से सुकून मिला देख के चले उन्होंने ज़्यारत हमको भी करवा दी मोबाइल के थ्रू, उनके वीडियोस के थ्रू उन्होंने हमको वहाँ का नज़ारा जो दिखाया, दिल बहुत खुश हो गया देख के। तो बस यहाँ पे मैं सायरा मैम को बोलूँगी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ से ही बैठे बैठे आपने हमको अजमेर शरीफ का छट्टी शरीफ का जो नज़ारा होता है ना वो दिखा दिया, जो मैं हमेशा देखना चाहती थी छट्टी शरीफ में जो भीड़ भाड़ मैंने देखा यहाँ से बैठे बैठे, क्योंकि मैं कभी भीड़ में नहीं जाती। आप लोग को जो जो मेरे फॉलोवर है पुराने, उनको मैंने हमेशा बुलाया कि मैं भीड़ में नहीं जाती, मुझे बहुत घबराहट होती है। तो बस जैसा मैंने देखा कि छट्टी शरीफ में इतनी भीड़ होती है, मैंने देखकर मैं बोली, मेरे हस्बैंड से भी मैंने इस बारे में बात किया कि देखिए कितनी गर्दी है, कितनी गर्दी है। तो आपके मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे कि हाँ छट्टी शरीफ में बहुत गर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो बस वो नज़ारा देख के बहुत खुश हुई मेरे को, खुशी हुई मेरे को कि मैं चलो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाई, बट सायरा मैम की वीडियो के थ्रू हमने वहाँ का नज़ारा देखा है। तो सायरा मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और सेकेंड थिंग मैं ये बोलूँगी कि उन्होंने सायरा मैम ने उनके ब्लॉग के ज़रिए जो बताया कि वो सूरत में उतरे हैं, तो बस मैंने जब सुना सूरत में, तो फिर मुझे मेरे को थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि सूरत में अगर वो उतरे हैं तो मे भी उनको कुछ काम होगा, कुछ तो बात होगी जब वो सूरत में उतरे हैं, वरना जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि वो आने के टाइम, हाँ जाने के टाइम पर उन्होंने एक स्टॉप लिया था सूरत में, थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाए थे उन्होंने कि वो सिर्फ रील्स के लिए उतरे थे वो, और थोड़ा से लोगों से बात करने के लिए, बट अभी वो स्टे कर रहे हैं, वो अभी आने के टाइम पे वो स्टे कर रहे हैं वहाँ पे सूरत में। तो बस हम लोग के दिमाग में भी ऐसी बातें आई कि कुछ तो बात होगा जब वो सूरत में उतरे हैं, तो बस उन्होंने अपने ब्लॉग के ज़रिए बताया कि नहीं वो सूरत में उतरे हैं और कुछ काम है उनको, जो वो काम चाहते हैं कि वो अच्छे से पूरा हो जाए। तो हम लोग भी दुआएं करेंगे सायरा मैम, आपका जो भी काम हो अल्लाह आपको उस काम में कामयाबी दे, और जो भी आपके ज़िंदगी में तकलीफ है वो दूर हो जाए। और हमको पता है कि आप लोग, आप हमसे हर एक चीज़ शेयर करती है, तो हम लोग आपकी हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं और दिल से सुनते हैं आपकी हर चीज़ों को, हम लोग हर बातों को आपकी बहुत दिल से सुनते हैं।
बाकी अय्यू भाई की बात करूंगी, जो अय्यू भाई भी कल अजमेर शरीफ पहुंच गए और उन्होंने आज उन्होंने भी एक अपलोड कर दिया भाई व्लॉग, अय्यू भाई ने भी एक व्लॉग अपलोड कर दिया। तो अय्यू भाई को मैं यहाँ बोलूँगी मुबारक हो, आपने फर्स्ट व्लॉग डाल दिया है और आपने बोला कि अल्लाह आपको इसमें कामयाबी तो ज़रूर देंगे, अल्लाह सबको कामयाबी दे, बट आपको तो स्पेशली कामयाबी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जब सायरा सत्तानी का हस्बैंड ने अगर चैनल खोला और उनको कामयाबी ना मिले, ये तो हो नहीं सकता ये तो हो ही नहीं सकता ना कि सायरा सत्तानी के हस्बैंड ने चैनल खोल दिया और कामयाबी ना मिले, तो ये तो पक्का होने वाला ही है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके तो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, और वैसे तो अय्यू भाई के इंस्टाग्राम पे भी जब सायरा मैम ने वो इंस्टाग्राम पे उनके लिए 100K का सेलिब्रेशन किया था और वो तो खुश थे और अभी भी सायरा मैम खुशी होंगे आपके अय्यू भाई के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं वो भी खुशी होंगे, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत उटपटान लग रही है कि मतलब अय्यू भाई छोड़ के चले गए, अब चैनल बना लिया उन्होंने, अब वो अपने ब्लॉग्स डालेंगे, बहुत उटपटान चीज़ें लग रही है। अगर हम दोनों को ना, हम लोगों को स्पेशली व्यूवर्स लोगों को आदत है ये लोगों को अजमेर में साथ में देखने की, बट अभी बहुत दुख हुआ कि अय्यू भाई अलग से ब्लॉग डाल रहे हैं और अपने लिए अलग चैनल बना के वो अपना ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, सायरा मैम अपना ब्लॉग, सायरा मैम के तो चैनल पे अपलोड ब्लॉग्स अपलोड होते ही थे, बट अभी अय्यू भाई अपना ब्लॉग्स डाल रहे हैं, बहुत उटपटी चीज़ें लग रही है, बट इसके बारे में हम करेंगे बातें आप लोगों के साथ में। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताना मुझे कि मैं जो भी आप लोगों के साथ में बातें अपनी शेयर करती हूँ, मेरी थिंकिंग जो मैं सोचती हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है, मेरी जो सोच है वो सही है, जो मैं सोचती हूँ वो सही है। जैसे आप लोग सब लोग, बहुत से लोग जो सायरा मैम को फॉलो करते हैं तो आप लोग उनको भी देखते हैं, आप लोग हमारी बातें भी सुनते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों को कि जो मैं बोलती हूँ वो उसमें कितना परसेंट आप लोगों को लगता है कि ठीक है और कितना परसेंट आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता वैसा हो सकता है, ठीक है ना। अपनी थिंकिंग ज़रूर बताना बट बैड कमेंट्स प्लीज़ मत करना, उठा के कचरे के डब्बे में डाल दूंगी, मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ। बाकी यहाँ पे देखें घूमते फिरते हम लोग आ गए हमारे घर पे, फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे घर पे। तो जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कि आज का व्लॉग कैसे लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, आज इतना घूम फिर कर आई हूँ यार, तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको इंशाल्लाह। और फाइनली हम लोग ने लाया चाइनीज़ शोरमा, नहीं नुमैर को पूछी तो नुमैर ने बोला कि चलो मम्मा आज चाइनीज़ ही खा लेंगे, तो बस चाइनीज़ लेकर आए और आपके भाईजान अभी इसको निकाल रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। और चाइनीज़ में जो ना मुझे ये भाजी बहुत डाल दी है भैया जी ने, जो मैं नेक्स्ट टाइम उनको पर्सनली बराबर करने वाली हूँ, क्योंकि भाजी बहुत ज़्यादा भर गई, तो मैं फैयाज को भी चिल्ला रही थी भाजी कितनी डाल दी है यार, तो मेरे को बोले कि नेक्स्ट टाइम मैं उनको बोल दूँगा भाजी कम डालने के लिए। तो बस चले यहाँ पे ही बहुत हो गए मेरी बातें और बहुत चपर चपर भी मेरी बहुत हो गई, तो भाई मेरे को झेलने के लिए जानी है, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और अभी आपके भाईजान सर्व कर रहे हैं, हम लोग खाएंगे और पेट भर के, और आपने देखा बाहर मंडप लगा हुआ है, इसका मतलब शादी वादी है हमारे एरिए में इंशाल्लाह। तो अभी मुझे होने वाला प्रॉब्लम्स वीडियो के लिए, बाकी अल्लाह केयर करे। तो चले फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलूंगी आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो व्लॉग रेसिपी के साथ, जब तक दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज। Thank you.